तो ठीक हूँ, मैं आप सबकी दुआओं से हम सब ठीक है। तो अभी थोड़ा जाना है मुझे सैलून, क्योंकि मेरा ये आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोग देख सकते हैं कि बढ़ गई है। अभी जा रही हूँ सैलून में आईब्रो बनाने और हुसैन के स्कूल जा रही हूँ हुसैन को लेने। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो मेरा आईब्रो बनवा के हो गया है, अब मैं जा रही हूँ घर। तो मैं घर पे आ गई हूँ आईब्रो बना के। आईब्रो अच्छी बनाई है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है। तो फाइनली हमारे इस रूम में कलर हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब सामान भी शिफ्ट करना है। देखिए पूरा कलर हो गया, बहुत प्यारा कलर हुआ है, एकदम क्लीन हो गया। ये मशीन साइड में रख दी मैंने, इस रूम में लगाना साइड में। ये जो सामान है मुझे जो मशीन वाला रूम है उसमें लगाना है, तभी उसमें लगा के फिर मिलती हूँ। जो सामान रखा था बैग वैग ये सब हटा दिया मैंने, और जिस रूम में मेरी मशीन रखी थी उस रूम में रखा है, दिखाती हूँ। तो देखिए वो सब यहाँ रख दिया है, यहाँ पे मेरा सामान रख दिया है जो मेरे रूम का था, और यहाँ पे मेरी ननंद का सामान है। क्योंकि जो कलर लगाते हो भाई क्या तबीयत ठीक नहीं है तो वो आ जाए नहीं है, तो ये मट्टियाँ बहुत सारी हैं तो इनको मैं एक साइड पर रख देती हूँ झाड़ू मार के। तो देखिए ये सब जो है ना, ये सब मट्टियाँ, इन सब को झाड़ू मार के मैं एकदम साइड में रख दूँगी वहाँ पे, फिर बाद में उठाऊँगी। तो अभी फटाफट झाड़ू मार लूँ, साफ़ कर लूँ इस रूम को, फिर मिलती हूँ। आप देख सकते भैया का सामान मैंने वहाँ रख दिया है, और ये सारा मट्टी जो थी ना ये सब मैंने पूरा साफ़ करके एक झोले में डाल के रख दिया और एक गोली में डाल दिया। बहुत मट्टी निकली, पूरा क्लीन कर दिया, क्योंकि धूल मट्टी फिर मुंह में इन्फेक्शन। मट्टी तो भर दी मैंने, और देखिए पूरा कैसे कलर ख़राब हो गया था, बेडरूम का पूरा कलर ख़राब हुआ है। तो इससे मैं घर नहीं दिखा रही थी, और ये देखिए पूरा बारिश की वजह से लीकेज वगैरह चालू हो गया था। तो यहाँ पूरा, अब जब ये पूरा फाइनल रूम में कलर हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इस रूम को के कलर कैसा लग रहा है इस रूम में। तो कच्चा तो मैंने गोनी और थैली में भर दिया, और आप लोगों को दीवार भी दिखा दी कि किस तरीके से ख़राब हुई थी बारिश की वजह से। तो अब जब ये कलर पूरा फाइनल हो जाएगा रूम में, तब मैं आप लोगों को ये रूम दिखाऊंगी। अब हो गया अब चाय का टाइम, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और मम्मी को भी चाय देनी है तो मैं जा रही हूँ उनके लिए भी बनाने के लिए। तो चाय बना के मिलती हूँ। तो देखिए मैंने चढ़ाई अपने लिए और मम्मा के लिए चाय। अगर आपको जानना है कि चाय में किस तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। ये टोस्ट का डब्बा है, ये मस्के का डब्बा है, ये हमारी चाय है, और ये हमारी मम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी कुछ बोलती नहीं है ना, देखो हंसती रहेंगी, सिर्फ कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ तो बोला करा करो, नाश्ता करके पक्का बात करोगी। देखो ये मेरी चाय है, ये मेरे टोस्ट है, ये चटनी है, ये दो वड़े है, दो समोसे है, और कांदे की भजिया मिर्ची है। तो मैं अब खा के मिलूंगी, सब खा के नहीं मिलूंगी, ये खाऊंगी और एक समोसा पाव खाऊंगी बस, बाकी सलीम को खिलाऊंगी और हुसैन को खिलाऊंगी। मम्मी ने खाली थोड़ी सी प्याज की भजिया खाई है बस, तब नाश्ता करके फिर मिलती हूँ। तो ये हुसैन ने बनाया है चिल्ली सॉस से हार्ट। तो मैंने चाय पी ली हूँ और बस अब पेरिस पे आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने। बारिश हो रही थी सुबह में, रिमझिम रिमझिम बंद हो गई है, तभी खड़ी हूँ टेरिस पे। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं क्या कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, मुझे ऐसे टेरिस पे आके खड़े होना बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों से बातें करते रहो तो और टाइम जल्दी निकल जाता है। तो बस अब हो गया है खाने का टाइम, शाम के जा रही हूँ खाना बनाने, देखो क्या बनाना है। अगर कुछ अच्छा बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो कुछ भी बना लूँगी मैं, देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। मैं किचन में आई हूँ अपने लिए चाय बनाने सुबह। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है, पाव नमक चाय और दो टोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैं अपना कल वीडियो एंड नहीं की थी, तो बस मैं अभी अपना वीडियो एंड करना है मुझे। तो जो भी कल मैंने दिन भर किया आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ, उम्मीद करते शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो बस मैं आज का अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सना के पैदल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल पे आप जो भी नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाइएगा, नहीं बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा,
कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, मुझे दुआओं में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।